दोस्तों डे हाई ब्रेक का एक ट्रेड लिया मैंने निफ्टी का 15,200 का कॉल ऑप्शन, तो अभी माइनस पे जा रहा है, देखते लॉस होता है प्रॉफिट होता है। अभी तो नीचे आ रहा है, सेलर ने एंट्री ले लिया, देखते क्या होता है। कैंडल क्लोज होने दो, प्रीवियस कैंडल का लो में इसका स्टॉप लॉस है, जो इसका स्टैंडर्ड पिवट पॉइंट है वहाँ से रेजिस्टेंस ले रहा है। देखते वेट करते क्या होता है इसमें। एटीएम कॉल लिया है मैंने, अभी 15,140 चल रहा है। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार ट्रेडिंग व्यू में, निफ्टी 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 निफ्टी। देखिए मैंने ओपन पे बाय किया था, अभी ये रेड कैंडल हो रहा है, मतलब बेयरिश कैंडल, तो देखते हैं क्या होता है। मार्केट ऊपर गया तो प्रॉफिट बुक होगा, नीचे गया तो लॉस बुक होगा, या मैं ये ट्रेड होल्ड भी कर सकता हूँ आज। देखिए अभी ग्रीन हो गया, अभी मार्केट में सेलर कितना है बायर कितना है ये देखा तो आपको। अभी निफ्टी का फ्यूचर देखिए 7 लाख प्लस है बायर्स और सेलर से 252-253 हो रहा है, दिखाते हैं वेट करते हैं। एक ही लॉट लिया था, अभी 11 रुपीज़ 3 रुपीज़ ऐसा माइनस दिखा रहा है, अभी प्लस भी हुआ था, अभी प्लस माइनस देखते हैं क्या होता है। 24 सेकेंड्स बचा हुआ है कैंडल क्लोज होने के लिए, शायद ये डोजी बनाकर क्लोजिंग देगा ये कैंडल, ऐसा लग रहा है मुझे, देखते हैं बाकी। अभी तो प्रॉफिट दिखा रहा है थोड़ा सा, नेक्स्ट कैंडल का स्टार्टिंग देखते हैं क्या होता है। बुलिश कैंडल ही है, अभी नीचे आ रहा है, देखते हैं शायद ये ट्रेड में एग्जिट कर दूंगा, मुझे कुछ डाउट हो रहा है इसमें, तो देखते हैं मैं एग्जिट कर सकता हूँ। एक काम करता हूँ, मैं स्टॉप लॉस को अड्डा कोस पे ले कर आता हूँ, कुछ प्रॉब्लम है इसलिए, देखते हैं। 87 कर दिया, 87 पे स्टॉप लॉस कर दिया, हिट होता है तो लॉस कुछ नहीं होगा मेरा, देखते हैं। अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो मैं जो ये पिवट पॉइंट है तो उसके ब्रेकआउट पे एक दोबारा ट्रेड लूँगा, देखते हैं अभी क्या होता है। 87 का था तो अभी 88 प्लस चल रहा है, ओके 200 प्लस प्रॉफिट दिखा रहे हैं। देखिए मैं भी स्टॉप लॉस को 88 पे ट्रेल कर देता हूँ, एंडिंग पे जाता हूँ, मॉडिफाई कर देता हूँ, तो इसको 88 पे दे देता हूँ मैं। प्लस 89 चल रहा है, मैंने 88 पे ट्रेल कर दिया स्टॉप लॉस को, तो हिट भी होता है तो बस देखिए, स्टॉप लॉस हिट हो चुका है तो 75 का प्रॉफिट बच गया जो ब्रोकर्स के हिसाब से जाएगा, लॉस कुछ नहीं होगा। तो अगर आपको दिखा देता हूँ दोबारा ट्रेड में कहाँ पर लूँगा, तो मैं होल्ड कर सकता था लेकिन कुछ डाउट है इसलिए होल्ड नहीं किया। अब देखिए ये जो पॉइंट है पिवट का, ये ब्रेक करने पर मैं दोबारा री एंट्री लूँगा, तो इसलिए अभी वेट करते हैं, देखते हैं। कोई बात नहीं, कुछ हाथ से कुछ नहीं गया, तो नेक्स्ट ट्रेड अगर लूँगा तो आपको शो करूँगा मैं, ओके। दोस्तों मैंने एक और ट्रेड लिया था जो वीडियो तब नहीं बना पाया था जब मार्केट लाइव था, तो मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ। तो 15,200 कॉल का मैंने निफ्टी ले लिया था,
एक बार और दिखाया था आपको 75 प्रॉफिट पे लॉस हिट हो गया था, सॉरी प्रॉफिट स्टॉप लॉस हिट होकर 75 रुपीज़ प्रॉफिट था। उसके बाद मैंने दोबारा 15,100 का कॉल लिया था, उसमें 345 प्रॉफिट लेकर एक लॉट में एग्जिट कर दिया था। उसके बाद मैंने दोबारा 15,200 का कॉल लिया, 185.23 एवरेज में लिया था और 85.25 में क्लोज हो गया, तो इसको मैंने होल्ड कर दिया कल सुबह के लिए। तो बाकी का जो है आज का तो 400+ प्रॉफिट बुक हो गया था, एक लॉट में ही काम किया था। तो कल सुबह आप लोगों को दिखाएंगे कि लॉस बुक होता है या प्रॉफिट बुक होता है। नासडाक, डाउ जोन्स, S&P और SGX निफ्टी अभी तक प्लस है, ऊपर जा रहा है मार्केट। तो कल सुबह निफ्टी गैप अप ओपन होना चाहिए, अगर गैप अप ओपन होता है तो मुझे प्रॉफिट होगा और आप लोगों को दिख जाएगा प्रॉफिट कितना हुआ है और मैंने क्या रिसर्च करके ये बाई किया और होल्ड किया, कैसा स्ट्राइक प्राइस मैंने चूज़ किया, सबको सब आप लोगों को बताऊंगा। अगर आप लोगों को जानना है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, तो मैं अच्छी तरह से आपको बताऊंगा कैसे ट्रेड लेना होता है, कैसे प्रॉफिट बुक करना होता है और कैसे लॉस को मैनेज करना होता है, कम रिस्क पे हाईएस्ट रिवॉर्ड लेना चाहिए, ये सब मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, थैंक यू, बाकी कल मिलते हैं, देखते हो मार्केट ओपनिंग में निफ्टी गैप अप होता है या नहीं। थैंक यू।